NET परीक्षा में हुई धांधली का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर में भी छात्र इस धांधली को लेकर बेहद नाराज हैं। आइए जानते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन में क्या हुआ और छात्रों की क्या मांगे हैं। आज सीकर में छात्रों ने मिलकर NET परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन SFI के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि आए दिन भर्तियों में हो रही धांधलियों से छात्र बेहद नाराज हैं। जो इतनी बड़ी धांधली भारत NTA ने करी है, ये एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए बहुत नुकसान वाली बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर उनकी रिजल्ट की एग्जाम्स रद्द कर दी जाती है और फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, 650 नंबर लाने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो हमारा भारत सरकार से यही है कि इसलिए हमारा प्रदर्शन भी आज किया है कि वो NTA को रद्द करे और ना नीट में होने वाली इस धांधली को खत्म। सीकर के छात्रों का कहना है कि उन्हें उनके मेहनत का फल मिलना चाहिए। अगर परीक्षा में धांधली होती है तो इसे रद्द कर देना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए। यह सिर्फ छात्रों के भविष्य का सवाल नहीं है बल्कि देश के भविष्य का भी सवाल है। लोकल 18 के लिए सीकर से राहुल मनोहर की रिपोर्ट।